केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के खेल के मैदान में सितोलिया खेलते हुए नजर आए। इस दौरान सिंधिया ने सटीक निशाना लगाकर सितोलिया तो गिरा दी, लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि महाराज ने सितोलिया के बहाने ग्वालियर लोकसभा सीट पर निशाना लगाया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। खेल के मैदान से सिंधिया ने लगाया सियासी निशाना। सितोलिया के बहाने ग्वालियर लोकसभा सीट पर सिंधिया का निशाना। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में सितोलिया खेलते हुए नजर आए महाराज। ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं सिंधिया। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री का अनोखा अंदाज नजर आया है। उनको क्रिकेट खेलते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन शुद्ध रूप से देशी खेल सितोलिया उन्होंने पहली बार खेला। मैदान में जब उन्होंने पत्थर के साथ पिट्ठू सजी हुई देखी तो खेले बिना नहीं रह पाए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जैसे ही सटीक निशाना लगाकर सितोलिया गिराई तो कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे, लेकिन सिंधिया के निशाने के अब सियासी मायने खोजे जाने लगे हैं। भाई 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 दरअसल सिंधिया के ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबरें हैं और केंद्रीय मंत्री सिंधिया लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में न सिर्फ एक्टिव नजर आ रहे हैं बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ मेल मुलाकात कर चुनावी जमावट भी कर रहे हैं। हाल ही में सिंधिया ने कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया था। अब खबर है कि जल्द ही मुरैना से कांग्रेस महापौर शारदा सोलंकी को भी भाजपा में लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो 30 मान लो, 150 टीम निकलनी चाहिए एक एक खेल के लिए, और इन खेलों में एक और खेल जोड़ देना और वो खेल है हमारी कुश्ती। राजनीति में तो हम लोग हर बार कुश्ती खेलते, अब मैदान में भी कुश्ती होनी चाहिए, तो कुश्ती भी जोड़ देना। और ये सांसद खेल उत्सव हमारा हर साल आयोजित होना चाहिए और कम से कम ठंडी के महीने में आयोजित होना चाहिए ताकि ज्यादा गर्मी भी खिलाड़ियों के लिए ना हो। 7 दिन कम से कम चलना चाहिए, अगर 7 गेम है तो 7 दिन चलना चाहिए, 1 दिन में एक खेल। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह सिंधिया ग्वालियर में हर आयोजन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, फिर चाहे खेल का मैदान हो या फिर राजनीतिक कार्यक्रम, फिलहाल सितोलिया के सहारे महाराज ने ग्वालियर लोकसभा सीट पर सियासी निशाना लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी उन्हें कहां से मैदान में उतारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।